पाँच मिनट में अगर आपको कुछ हेल्दी बनाना हो तो इससे बढ़िया नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि आज मैं आपको ऐसा हेल्दी ओट्स और सूजी से बना हुआ प्रीमिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप काफी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और ये प्रिमिक्स ऐसा है जिससे आज मैं एक नहीं बल्कि चार अलग अलग तरीके से आपको नाश्ता बना के दिखाऊंगी सभी नाश्ता बहुत ही लाइट सॉफ्ट हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रीमिक्स जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो कप ओट्स ले लिया है और साथ ही में उसी कटोरी से नाप के यहाँ पे मैंने एक कप सूजी भी लिया है अब चलिए ऐसे हमें भुनना है तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच तेल और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें थोड़ा सा राई डाल देते हैं लगभग एक चम्मच के करीब मैंने राई डाला है और तब तक वेट करेंगे जब तक कि राई जो है पूरी तरीके से फूटने ना लगे और जैसे ही राई चटकने लगेगी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चना दाल और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कुछ सेकंड के लिए कंटिन्यूस चलाते हुए भुनेंगे चना दाल को मैंने भुनने से पहले कपड़े से पोष लिया था ताकि जो गंदगी है वो निकल जाएगी और बस एक से दो मिनट भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं उड़द दाल और साथ में काजू भी डाल देते हैं और इसे भी मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक भुनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन कलर का ना हो जाए यहाँ पे दाल को भिगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इस तरीके से दाल को जब भून के हम डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है बस ये देखिए यहाँ पे हल्का सा भुनने के बाद जो कलर है ना दाल का वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है और काजू भी अच्छे भुन गया है तो इसी स्टेज पे हम करी पत्ता डाल देते हैं और करी पत्ता को भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे करी पत्ता को मैंने लास्ट में ऐड किया है नहीं तो ज्यादा भुनने से ये जल जाएगा और हल्का सा ही भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं सूजी और सूजी को भी हम एक मिनट तक अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे मैंने फ़्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हल्का सा भुनने के बाद अब इसी समय डालते हैं ओट्स और ओट्स को भी सभी चीज़ों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहाँ पे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर लगभग चार से पाँच मिनट के लिए भुनना है जिससे कि हम इसके इडली उपमा या कुछ भी बनाएंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बस ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है कंटिन्यूस चलाते हुए सिर्फ तीन से चार मिनट तक ही हम इसे भुनेंगे तो यहाँ पर भूनते हुए तीन से चार मिनट हो गया है और ये देखिए जो सूजी और ओट्स का कलर है ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है तो बस लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हींग जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और सभी को फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सूजी ओट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है नमक अभी हमने ऐड नहीं किया है बाद में हम टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे और चलिए अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं और इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे आपको कढ़ाई में नहीं छोड़ना है नहीं तो नीचे से जो मसाले हैं वो जल जाएंगे बस जैसे ही ये मिक्सर हमारा ठंडा होगा इसे आप स्टोर कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एयरटाइट कंटेनर लिया है और इसमें हम सभी मिक्सर को भरकर स्टोर कर सकते हैं ध्यान रहे कि जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी इसे एयरटाइट जान में भरिए और ये जो प्रेमिक्स है इसे आप छः से आठ महीने तक स्टोर करके कर रख सकते हैं तो एक बार में ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लीजिए और इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे ना तो आपका टाइम भी सेव होगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरीके से ये हमारा ओट्स सूजी प्रीमिक्स बन के रेडी हो गया है और चलिए अब इससे हम बनाएंगे सबसे पहले बहुत ही मज़ेदार सी इडली तो इडली बनाने के लिए जो ओट्स और सूजी का जो प्रीमिक्स है इसे हम डालते हैं बोल में तो आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप बोल में ले सकते हैं दही आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है एक से दो दिन पुराना दही हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है और दही के साथ इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमें पानी नहीं डालना है पहले दही के साथ मिक्स कर लेंगे फिर जितना ज़रूरत होगा बाद में हम पानी ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो बैटर है काफ़ी थिक है दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसी समय इसमें हम डालते हैं आधा कप पानी और पानी डालकर एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो जनरली जब ओट्स और सूजी की इडली बनाई जाती है ना तो बहुत लोग क्या करते हैं ओट्स को ग्राइंड कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ओट्स को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया है और इस तरीके से जो इडली है ना उसका टेक्सर बहुत ही अच्छा आएगा तो आप ग्राइंड बिल्कुल भी मत कीजिएगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही बनाइएगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज है इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो यहाँ पे मिक्स करते हुए बिल्कुल मीडियम थिक बैटर बनकर रेडी हो गया है और अब इसे हम ढककर दस मिनट के लिए साइड रख देते हैं जिससे की सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल जाएगी तो जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है तब तक हम छोटी सी तैयारी कर लेंगे यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए थोड़े से धनिया पत्ती लिए हैं, जिसे बारीक चौप कर लेते हैं और मैंने एक छोटा टुकड़ा गाजर का भी लिया है इसे भी हम ग्रेट कर लेते हैं सब्जियां यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ धनिया पत्ता और गाजर ऐड करूंगी और थोड़ा सा इसे मैं स्पाइसी बना रही हूँ तो दो से तीन पीस हरी मिर्च भी डालेंगे और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं तो सब्जियां कट करके रेडी कर लिया है साथ में हम लेते हैं इडली मोल्ड और इसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे मोल्ड को ग्रीस करने के बाद अब हम पैन में डालते हैं लगभग आधा लीटर पानी और पानी को भी हम गर्म करने चढ़ा देते हैं तो इडली बनाने के लिए सभी तैयारियां कर ली है और यहाँ पे जो ओट सूजी का मिक्सर है ना ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये देखिए काफी फूल गया है मिक्सर काफी थिक हो गया है तो इसमें पानी हम बाद में ऐड करेंगे अभी जो कट की हुई वेजिटेबल्स है इसे डाल देते हैं आप इसे और हेल्थी बनाने के लिए इसमें मनपसंद वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं लगभग कप पानी और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी जितना जरूरत हो उस हिसाब से आप यहां पर ऐड कर सकते हैं यहां पर जो बैटर है बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है तो मिक्स करते हुए जो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे ना ये बिल्कुल परफेक्ट है ऐसा ही होना चाहिए अगर बहुत पतला हुआ बैटर तो जो इडली है ना वो फ्लफी नहीं बनेगी और अगर बैटर गाढ़ा हुआ तो इडली उतनी सॉफ्ट नहीं बनेगी और अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया तो लास्ट में नमक डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब नमक को मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं इनो और इनो को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनो डालने के बाद तुरंत ही इसे हमें मिक्स करना है इनो डालने के बाद बिल्कुल भी वेट नहीं करना है नहीं तो जो इनो का रिएक्शन है ना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है तो बिल्कुल फटाफट से इसे मिक्स करना है और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे हम तुरंत ही मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे वैसे तो मैं इसे इडली मोल्ड में ट्रांसफर कर रही हूँ लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का इडली मोल्ड नहीं है तो आप इसे छोटी छोटी कटोरियों में भी बना सकते हैं तो यहाँ पर इडली मोल्ड ने बैटर को स्प्रेड कर लिया है और पानी भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो गर्म पानी में इस पैन को रख कर इसे ढक कर हम लगभग आठ से दस मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रख कर इसे स्टीम करेंगे तो बस मिनट हो गया है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी इडली स्टीम हो गई है कितने अच्छे से फूल गई है और कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है तो इसे हम ठंडा होने के बाद ही मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो बस दो से तीन मिनट में ये इडली ठंडी हो गई है और ये देखिए बहुत ही आसानी से मोल्ड से बाहर आ जा रही है और कितनी परफेक्ट बनी है टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आया है काफी सॉफ्ट और फ्लफी सी है जिसे आप बहुत ही इजी वे में, में प्रीमिक्स पांच से दस मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे आप दे सकते हैं अब सेम बैटर का ही यूज करके मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ तो यहाँ पे मैंने मिनी इडली मोल्ड लिया है और इसे भी ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे सेम वही बैटर है जिसमें मैंने इनो डाल के इडली बनाया था बस यहाँ पे मैंने इडली का छोटा मोल्ड लिया है लेकिन इस वाली इडली को हम कुछ अलग डिफरेंट तरीके से मसालेदार तर बनाएंगे जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी तो सभी मोल्स में इडली बैटर डालने के बाद इसे भी हम सेम उसी तरीके से स्टीम कर लेंगे बस यहाँ पे हम तीन से चार मिनट के लिए ही स्टीम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम छोटे साइज की इडली बना रहे हैं तो बस चार मिनट हुआ है और ये वाली इडली भी मेरी बहुत परफेक्टली स्टीम हो गई है काफ़ी बढ़िया सा कलर आया है तो इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जैसे ये इडली ठंडी होगी वैसे ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रही है गर्म में अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये स्टिक हो जाएगी इसलिए हल्का सा दो से तीन मिनट इसे ठंडा होने के लिए ज़रूर रखिए ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है और छोटी छोटी इडली खाने में इतनी अच्छी लगती है ना बच्चों जो को बहुत पसंद आती है अब चलिए इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं तो लेते हैं पैन इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें डालेंगे करी पत्ता और साथ में यहाँ पे हम सब्जियां भी ऐड कर देते हैं सब्जियों में मैंने लाल पीली हरी शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज लिया है और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कुछ सेकंड के लिए सौटे करेंगे तो सब्जियों को ज्यादा नहीं भुनना है हल्का सा क्रंची रहे तो खाने में अच्छी लगती है तो बस कुछ सेकंड भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा टोमेटो केचप और फिर इसमें हम डाल देते हैं स्टीम की हुई इडली और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे टोमेटो केचप डालने से थोड़ा सा मीठा और खट्टा सा टेस्ट आएगा अगर आपको टोमेटो केचप नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं इसकी जगह आप चाहें तो यहाँ पे सेजवान चटनी या फिर पिज्जा पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं हैं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें डालते हैं धनिया पत्ती। अगर आपको कुछ हेल्दी और कम तेल का खाना हो तो ये वाला तिल तो डालते हैं जिससे कि देखने में काफी अच्छा लगेगा और इसे भी हल्का सा मिक्स करने के बाद हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे मैं तो अक्सर ही बच्चों को टिफिन में दे देती हूँ और वो बहुत ही मन से खाते हैं क्योंकि ये ठंडी भी हो ना तो खाने में अच्छी लगती है तो इस तरीके से वेजिटेबल भी बन के रेडी हो गई है और चलिए मैं सेम बैटर से तीसरा नाश्ता बनाती हूँ तो इसके लिए लेते हैं पैन और इसमें डालते हैं लगभग एक चम्मच तेल ये वाला नाश्ता खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन देखने में भी गजब का बनता है तो तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि राई फूटने ना लगे जैसे ही राई चटकने लगेगी इसमें हम डालते हैं करी पत्ता और थोड़ा सा यहाँ पे हम सफेद तेल भी डाल देते हैं फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि तेल और करी पत्ता जले नहीं और अब हम तुरंत ही इस बैटर को स्प्रेड करते हैं तो सेम वही बैटर लिया जिससे मैंने दोनों इडली बनाई थी वही बैटर को बस मैं पैन में इस तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ हल्का मोटा ही हम इसे स्प्रेड करेंगे जिससे कि ये देखने में बड़ा ही अच्छा लगेगा ऊपर से भी हम थोड़ा सा सफेद तेल डाल देते हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और अब इसे हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से दो से तीन मिनट के लिए सिकने देंगे दो से तीन मिनट में ही ये बहुत अच्छे से सिक जाता है तो अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए जो ऊपर का बैटर है ना थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो इसी टाइम इसे हम पलट देते हैं और ये देखिए पलटने से ही कितना बढ़िया सा कलर आया है और दूसरी तरफ से भी इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर सेकेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं जिससे कि नीचे की तरफ से भी ये बहुत बढ़िया ब्राउन कलर का हो जाएगा तो बस उलटते पलटते मीडियम लो फ्लेम पर रखकर ये देखिए बहुत ही बढ़िया से सिक गया है काफ़ी अच्छा सा कलर आया है देखने में भी ये नाश्ता बहुत ही कमाल का लग रहा है तो एक ही प्रिमिक्स से एक ही बैटर बनाया है और उससे मैंने तीन अलग चीजें बना ली हैं सभी देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और ये वाला नाश्ता तो मेरा फेवरेट है मुझे बहुत पसंद है मैं अक्सर इसे सुबह के टाइम में बनाती हूँ और चीज भले ही एक हो लेकिन देखने में डिफरेंट लगता है तो खाने का मजा और भी दुग्ना हो जाता है तो बन गया है बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट फ्लफी सा ये हमारा पैन जिसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं अब चलिए सेम का यूज करके बनाएंगे सूजी ओट्स का उपमा हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है कम तेल में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दो चम्मच तेल लिया है और तेल जैसे ही गर्म होगा इस में हम डालते हैं थोड़ा सा राई और जैसे ही राई यहाँ पे चटकने लगेगी इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा करी पत्ता और साथ में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ ली हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च बीन्स गाजर और प्याज लिया है और बिल्कुल फाइनली चॉप करके डालने से उपमा का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है बगैर सब्जियों के भी आप इसे बना सकते हैं लेकिन कुछ हेल्दी बनाना हो तो थोड़ा सा सब्जियाँ ज़रूर ऐड कीजिए बस ज़्यादा नहीं इसे भुनना है कुछ सेकंड के लिए भुनने के बाद अब इसमें जो प्रीमिक्स मैंने बनाया था सूजी ओट्स का वो प्रीमिक्स ऐड कर देते हैं और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कुक नहीं करना है सूजी ओट्स को क्योंकि ऑलरेडी पहले कुकिंग हो चुकी है बस सब्जियों के साथ हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पानी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि मिक्सचर जो है अच्छे से सारा पानी अब्जॉर्व ना कर ले जैसे जैसे आप कुक करते जाएंगे वैसे वैसे सूजी और ओट्स जो है सारा पानी अब्जॉर्व कर लेगा और यहाँ पे पानी आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है जितना प्रिमिक्स है मैंने उतना ही पानी ऐड किया है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है सूजी और ओट्स पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया है और इसी टाइम इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती और फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियां डालने से ये उपमा कितना कलरफुल दिख रहा है खाने में बहुत ही टेस्टी है और ओट्स भी इतने अच्छे से मिक्स हो गया है कि पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपने ओट्स भी ऐड किया है ये देखिए देखने में कितना परफेक्ट लग रहा है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही है और ये हमारा प्रीमिक्स से बन गया है सूजी ओट्स का उपमा ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का लाइट सा खाना हो और कुछ समझ नहीं आ रहा है की क्या बनाए या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरीके से प्रीमिक्स बना के काफी दिन तक स्टोर कर सकते हैं और जब बनाना हो तो इसे फटाफट से घोलिए और बनाइए जिससे आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी नहीं लगेगी तो एक ही प्रेमिक्षा यूज करके कितना बेहतरीन नाश्ता बनकर रेडी हुआ है आपको कौन सा नाश्ता सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए हम्म अच्छी बनी है और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी एक चम्मच तेज ऐसी चार अलग तरीके से नाश्ते की रेसिपी भी अपलोड की है जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए